वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम देखते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, मलेरिया निदान हेतु और टीथर नाम की औषधि कहाँ प्राप्त होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो मलेरिया निदान हेतु और टीथर नामक जो और टीथर नामक औषधि है कहाँ से प्राप्त होती है। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बीजी पादप से, कवक से, जीवाणु से या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मलेरिया निदान के लिए और टीथर नामक औषधि है यह बीजीय पादप से प्राप्त होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ से आप एक प्रश्न और याद रख सकते हैं, यहाँ पर बात आई है मलेरिया की, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को, आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 46 जोड़ी, 23 जोड़ी, 22 जोड़ी या फिर 24 जोड़ी। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी संबंधों के प्रयोग के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे को चुना था, चना, सरसों, मटर या फिर अरहर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए जो चुना था वो था मटर का पौधा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, आपको नाम याद रखना है, पाइसम सेटाइवम जो होता है ये मटर का वैज्ञानिक नाम होता है, यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का कौन सा अंग अवशेषी अंग नहीं है, मानव शरीर का कौन सा अंग अवशेषी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कान है वो अवशेषी अंग नहीं है। अब देखिए कान से एक प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है, स्टेपीज, जो कि कान में ही होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है शरीर की, तो जो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की उसका नाम है फीमर, जो जांघों पर होता है। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये दोनों पॉइंट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, यानी कि जो सेल होता है सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे सेल का जो है पावर हाउस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, बहुत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना द्विकुंडलनी होती है, इसकी खोज किसने की थी। जो डीएनए है इसकी खोज किसने की थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन एवं क्रिक ने। वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है, गुणसूत्र, जीन, आरएनए या फिर केंद्रक। तुम्हारे शरीर में जो आनुवंशिकता की इकाई होती है उसे जीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जीन हमारा जो होता है आनुवंशिकता की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर जल। तो शरीर की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है वसा, ऑप्शन नंबर जो सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वसा जो होता है शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नदियों में जल प्रदूषण की माप निम्न में से किस घुली हुई मात्रा से करते हैं, किसकी खुली हुई मात्रा से करते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे करते हैं, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन से या फिर ऑक्सीजन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन से। जो नदियों में जल प्रदूषण की माप है वह ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन न होने के कारण यह सर्वदाता रक्त वर्ग है, यानी कि सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल करेक्ट है। जो ओ नेगेटिव होता है यह सर्वदाता होता है, इसके अलावा जो हमारा ए बी पॉजिटिव होता है यह सर्वग्राही होता है। तो यहाँ से दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, आमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम पेप्सिन एवं रेनिन है, इनमें से कौन दूध को फाड़ने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पेप्सिन और रेनिन में से दूध को फाड़ने कार्य को कौन करता है, पेप्सिन रेनिन दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रोटीन का उत्पादन यकृत यानी कि लीवर के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन, इंसुलिन, हिपेरिन या फिर फाइब्रिन। तो अगर आपने हिपेरिन चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, हिपेरिन, वह शरीर के अंदर जो रक्त को जमने से रोकता है और इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी में, सिरा में, दोनों में या फिर कोई नहीं। तो जो शरीर में शुद्ध रक्त बहता है वह धमनियों में बहता है। ऑप्शन नंबर ए, जो धमनियाँ होती हैं इसमें ही शुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए बात आई रक्त यानी कि ब्लड की, तो रक्त के अध्ययन क्या कहते हैं, ब्लड के अध्ययन कहते हैं हेमेटोलॉजी। आपको नाम याद रखना है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और हृदय के अध्ययन क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि जो अध्ययन संबंधित जो प्रश्न है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों से में से कौन सा असत्य है। तो बताना है कि निम्न युग्मों से में से कौन सा असत्य है। देखिए विटामिन बी सेवन का नाम बायोटिन होता है, सही है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। लेकिन जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा डी है यह असत्य है, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टेंडन कहते हैं। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने को टेंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में क्रोध, भय एवं खतरे के समय किस हार्मोन का जो स्राव है बढ़ जाता है, स्टोरेन, टेस्टोस्टोरेन, एड्रेनलिन और या रिलैक्सिन। तो जब शरीर में क्रोध, भय या खतरे के समय जो होता है तो उसमें एड्रेनलिन, ये जो होता है हमारा एड्रेनलिन, इसकी जो हार्मोन है इसका स्राव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है किस बीमारी के लिए, टीबी के लिए, एड्स के लिए, ट्रेकोमा के लिए या फिर मस्तिष्क की जांच के लिए। तो जो एलिसा टेस्ट है इसका प्रयोग होता है एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेसमेकर क्या है, एक खिलाड़ी, एक लड़ाकू जहाज, हृदय गति कम करने वाला यंत्र या फिर आर्थिक शब्दावली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पेसमेकर जो है हृदय गति कम करने वाला यंत्र है। क्या है, हृदय गति कम करने वाला जो यंत्र होता है उसे पेसमेकर कहते हैं। और हृदय गति किससे मापी जाती है, तो हृदय की जो गति मापी जाती है वह स्फिग्नोमैनोमीटर से मापी जाती है। किससे, स्फिग्नोमैनोमीटर से हृदय की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में जो है अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में कब की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1948 को। कब की गई थी, 10 अगस्त 1948 को की गई थी। तो जो भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को। देखिए ऑप्शन देखिए इसमें मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो 1 मार्च 1948 को जो है इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 1 मार्च 1948। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 1 मार्च 1948 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था कब लागू हुई। तो भारत में जो द्वैत शासन व्यवस्था है वह मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी कि जो रिपोर्ट आई थी 1919 में, इसके तहत जो है भारत में द्वैत शासन लागू की गई थी। जो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये रिपोर्ट आया लाया गया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बात करें कि मार्ले मिंटो सुधार भारत में कब आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे जो 1947 के मंत्रिमंडल में नियुक्त हुए थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे जो कि 1947 से लेकर 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा था भारत का, उसमें महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो थी 15। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानववाद के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? बताना है कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव होता है किस सदन पेश होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या फिर किसी में नहीं? तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वह किसी भी सदन, दोनों में से किसी भी सदन में जो है वह पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ये तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत राष्ट्रपति करता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं? देखिए आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य की बात की गई है। तो देखिए जो राज्यों से यानी कि हर स्टेट से 530 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, 530 सदस्य राज्यों से, और यूनियन टेरिटरी से कितने होते हैं? 20 सदस्य। तो सब मिला कितने हो गए? 550 सदस्य जो होते हैं वह निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 550। देखिए पहले दो आंग्ल भारतीय सदस्यों का भी इस प्रावधान था कि दो आंग्ल भारतीय सदस्य जो हैं उसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, लेकिन 2020 में संविधान संशोधन यानी कि जो हमारा 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, इसके तहत जो आंग्ल भारतीय सदस्य यानी कि जो दो एंग्लो इंडियन की को मनोनीत किया जाता था उसका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 550 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आंग्ल भारतीय हैं उनका प्रावधान जो है अब समाप्त कर दिया गया है 2020 के संशोधन द्वारा। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्यपाल के संबंध में क्या असत्य है? तो आइए पढ़ते हैं, वह भारत का नागरिक हो यह सत्य है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए यह भी सत्य है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है यह भी सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर तीन है कि उसमें लोकसभा सदस्य का होने की उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यह असत्य है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो जो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जो व्यवस्था है वह किसके तहत की गई है? तो अनुच्छेद 169 के तहत जो है की गई है। अब देखिए अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट अगर अनुच्छेद की बात करें, देखिए आपको कुछ अनुच्छेद याद रखना, जैसे कि जो अनुच्छेद हमारा 32 है इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया है। इसके अलावा जो हमारा अनुच्छेद 54 होता है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 76 में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है यानी कि भारत का महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल के बारे में जो है अनुच्छेद 76 में जो है रखा गया है। वहीं 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है। और देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट और याद रखना है, अनुच्छेद 280 जो है 280 में वित्त आयोग के बारे में जानकारी दी गई, तो 280 में क्या है? वित्त आयोग है। इसके अलावा अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो हमारा है UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 324 होता है 324 में जो है हमारा इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग किसमें है? अनुच्छेद 324 में।
इसके अलावा जो हमारा 352 होता है और 356 होता है, 360 ही बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको देख लीजिए। 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित की जाती है। 352 में क्या होता है, राष्ट्रपति जो शासन राज्य में लगाया जाता है वो 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और 360 में क्या होता है, 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का जो है प्रावधान किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल। तो यह कुछ अनुच्छेद जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको ये रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत की किसी भी राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं और न्यूनतम जो सदस्य होते हैं वो 60 होते हैं। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम 500, न्यूनतम 60। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो इस 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम का जो है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो आपको अपवाद जो है वो याद रखना होगा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ राज्य, जैसे कि जो गोवा है, गोवा हमारा हो गया, गोवा में 60 से कम संख्या है। इसके अलावा सिक्किम हो गया, सिक्किम में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो 60 से कम है, गोवा हो गया, सिक्किम। इसके अलावा जो मिज़ोरम है, इसका अपवाद है, मिज़ोरम इसका अपवाद है। और इसके अलावा जो चौथा है वो पुडुचेरी। ये जो चार राज्य हैं, यह न्यूनतम जो 60 सीटों का प्रावधान है, इसके चारों अपवाद हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में 60 से कम सदस्य हैं, तो आपको याद रखना है गोवा, सिक्किम, मिज़ोरम और पुडुचेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? अब यहाँ पर देखिए, राज्य में राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तो बताना कि किन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। देखिए, इसका सही आंसर 3 था, लेकिन अभी 3 नहीं माना जाएगा। वर्तमान में 2 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा पंजाब उच्च न्यायालय, जो पंजाब का है। इस पर कौन कौन से राज्यों का है अधिकार, देखिए पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से एक उच्च न्यायालय है, तो एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। पहला क्या है, जो पंजाब उच्च न्यायालय है, इसके अधिकार क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा दोनों आते हैं, पंजाब और हरियाणा। दूसरा हमारा हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, इसके अंतर्गत असम आता है, असम हो गया, नागालैंड हमारा इसके अंतर्गत आता है, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 2 राज्य हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। पहले जो हमारा हैदराबाद उच्च न्यायालय था, हैदराबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों आते थे, लेकिन अब जो हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में बन गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश में अपना स्वयं का उच्च न्यायालय बन गया है, तो अब जो हैदराबाद है उस पर सिर्फ तेलंगाना का अधिकार क्षेत्र रह गया। तो वर्तमान में 2 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं, तो यहाँ से आपको याद रखना है। और इसमें हमने केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऐसे राज्य हैं, ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो संसद द्वारा संकट काल की जो घोषणा का अनुमोदन है वह 1 माह के अंदर होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन का दोस्तों लेवल काफ़ी अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।